मसरक सारण जिला जदयू के महासचिव गौतम सिंह एवं मसरक प्रखंड जदयू के अध्यक्ष रामाधार सिंह ने प्रखंड के हरपुरजान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित क्वारंटाइन कैंप का जायजा लिया। मौके पर पूर्व मुखिया व वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भरत प्रसाद भी रहे। जदयू टीम ने क्वारंटाइन कैंप में रह रहे प्रवासियों का हालचाल जानने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के सभी जिले व प्रखंडों में खुले क्वारंटाइन कैंप में प्रवासियों को ठहराने खाने पीने की व्यवस्था कराई। सारण जिला जदयू के महासचिव गौतम सिंह ने बताया कि मसरक प्रखंड में दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को मसरक के 18 कैंपों में ठहराया गया, जहां समुचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया गया। सबको सावधान रहने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। नीतीश कुमार की सरकार आपकी हर तरह से सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। जदयू अध्यक्ष रामाधार सिंह ने कहा कि सरकार ने पंचायत द्वारा सभी परिवार के सदस्यों को मास्क एवं एक एक साबुन का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें अनियमितता बरतने वाले किसी भी पंचायत के वार्ड की जांच कराई जाएगी, दोषी पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आपका टीम जदयू का टीम गया था देखने के लिए, क्या क्या देखा है कैंप में? अगर सभी कैंप में देखे हुए हैं कि जदयू की तरफ से जितने खान पान है सब अच्छा ढंग से चल रहा है और अच्छा से सब काम हो रहा है। वहाँ सभी सेंटर पर हमने दौरा किया, सभी सेंटर का काम जो सराहनीय है और पुलिस प्रशासन का भी काम सराहनीय है और मसरक अंचल अधिकारी का भी काम सराहनीय है। हमने देखा कहीं से कोई शिकायत नहीं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।